बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सपेरिमेंट 29 क्लास 10 फिजिक्स से है टू वेरीफाई द ओम ला बाय यूजिंग एज अ कंडक्टर हमने जो है ये ओम ला को प्रूव करना है। ओम ला क्या है जी? वी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। जब डायरेक्टली को ख़त्म करेंगे उसकी जगह आर आ जाएगा तो प्रोपोर्शन बढ़ेगी और करंट भी क्या होगा बढ़ेगा, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अपरेटस में क्या क्या चीज़ चाहिए, हमें बैटरी चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, एम मीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स, यूरिका वायर, डिफरेंट लेंथ की चाहिए हमें, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, आपकी जो है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में भी ये गिवन है, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन मैंने पहले से दे दिया, ये हमारा जो है कनेक्शन है, ये जो है ये बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट की ये बैटरी है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम वोल्टेज चेंज भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो ये एम मीटर जो है सीरीज़ में लगाया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से वायर एक चार या पॉजिटिव के साथ, फिर इसी तरह नेगेटिव से होते हुए ये पॉजिटिव से यूरिका वायर कनेक्शन दिया हुआ रास्ते में, और ये जो है जाके डायरेक्ट किसके साथ से स्लाइडिंग कंटेक्ट के एक टर्मिनल के साथ जाके मीट कर रही है। इसी तरह दूसरा टर्मिनल जो है वो सीरीज़ में इसी तरह इसकी की लगाई हुई है, की से होते हुए किधर जी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्शन लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो वायर है ये 20 सेंटीमीटर की है, इसकी हम रीडिंग नोट करेंगे। तो कनेक्शन हम देते हैं जी, बैटरी को ऑन करते हैं। इस वक्त जो है बैटरी में मैंने पोजिशन जो रखी हुई है वो है जी 6 रखी हुई है ना, कि इस वक्त बैटरी में हमने 8 वोल्ट की हमने इसको पोजीशन दे दी है, ठीक है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करिए बैटरी, तो यहाँ पे आप प्लग लगाएंगे हम, ठीक है। फ़ौरन क्या हुआ जी, इसमें डिफ्लेक्शन शो हुई है, एम मीटर और वोल्ट मीटर के ऊपर देख सकते हैं, किसी जगह पे भी हम स्लाइडिंग कंटेक्ट को रख के, ठीक है, वैल्यू नोट कर लेंगे। तो इस वक्त जो है मेरे पास जो रीडिंग आई है एम मीटर के ऊपर जो रीडिंग आई है वो आप देख सकते हैं, तो कितनी है जी 0.4 से लेकर 0.2, इसमें कितनी डिवीजन आ रही हैं, 10 आ रही हैं। तो हमने ये करना है कि हर डिवीजन को 0.2 10 डिवीजन, तो सपोज ऐसे कर लेते हैं 0 से 0.2, या ऐसे कर रहे हैं ऊपर वाली रीडिंग को नोट कर लें 0 से 1, इसके दरमियान कितनी डिवीजन है 10 हैं, तो 0.4 पे ये आ रही है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। एम मीटर के ऊपर रीडिंग जो आई है 0.4 आई है, ठीक है। इसी तरह जो है अब वोल्ट मीटर के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर कितनी रीडिंग आई है, ठीक है, इसके ऊपर जो रीडिंग आ रही है 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8, 1.9, मीन सिंपल ये है 1.5 और 3 के दरमियान जो है ये नीडल जो आ रही है, ये आ रही है आई थिंक 2.9 के ऊपर, कितने के ऊपर जी 2.9 के ऊपर, तो नोट कर लिया हमने रीडिंग, ठीक है। तो आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू वी हमारे पास 2.9 और आई क्या हमारे पास 0.2, तो इसको डिवाइड करेंगे, खास कर इसको डिवाइड करके आंसर जो आया हमारे पास 7.25 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है यूरिका वायर की एक हमने कर ली। अब नेक्स्ट जो है ये 3 रीडिंग देनी है, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज क्या, हम थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ी सी हमने हल्की सी बढ़ाई है 7 के ऊपर रख ली 7 वोल्ट। अब जो है हम रीडिंग नोट करेंगे, इसके ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है जी 0.5 आ रही है, ठीक है, 0.5 नोट कर ली 0.5। अब यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है ये आ रही है 2.98 माइनस का फर्क है इसमें, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके 2.98 डिवाइडेड बाय 0.5, तो इसका आंसर भी आई थिंक 7 ही आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे
इसी तरह जो है हमने तीसरी रीडिंग भी लेनी है, फिर उसके बाद आप वायर चेंज करनी है, हमने वायर चेंज करनी है, इसको वायर को 40 रखनी है, ठीक है, यूरिका वायर हमने 40 रखनी है, फिर उसके बाद फिर यूरिका वायर हमने 60 रखनी है, ये तीन तीन रीडिंग हमने इसी तरह करनी है, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिकल नंबर 29 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।